मेरा नाम योगिता ढोरमरे है। मैं 13 साल की हूँ। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक छोटे से गांव शिवली में रहती हूँ। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। आई बाबा हमेशा से चाहते हैं कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। बस उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं स्कूल में मन लगाकर पढ़ती हूँ। हमारा गांव शिवली बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ बारिश कम होने के कारण हमेशा पानी की कमी रही है। इसी वजह से हमारे स्कूल में भी पानी नहीं आता था, ना पीने के लिए ना ही हाथ धोने के लिए। हम सब बच्चों को पानी घर से ही भरकर लाना पड़ता था। पानी खत्म हो जाने पर खाना खाने या बाथरूम जाने के लिए वापस घर जाना पड़ता था। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि जल ही जीवन है, पर शिवली में रहकर सही मायने में पता चलता है कि जल है तो ही जीवन है। हमें समझ नहीं आता था कि आखिर शिवली गांव का सारा पानी जाता कहाँ है। फिर एक दिन हमारे स्कूल में ICICI फाउंडेशन से कुछ लोग आए। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे स्कूल की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को बहने से बचाकर जमा किया जा सकता है और फिर पूरे साल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ ही दिनों में ICICI फाउंडेशन ने ये सिस्टम और 380 फीट का बोरवेल हमारे स्कूल में लगा भी दिया। इस सिस्टम में बारिश का पानी स्कूल की छत पे इकट्ठा होकर एक चैनल से पाइप में जाता है। फिर ये पानी पाइप और बोरवेल में लगे फिल्टर की मदद से साफ होकर बोरवेल में जमा होता है और एक पंप की मदद से इस पानी को निकाल कर इसका उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम के लगते ही धीरे धीरे सब बदलने लगा। स्कूल के सूखे नलों में साफ पानी जो आने लगा। अब हमें पीने का साफ पानी स्कूल में ही मिल जाता है और बार बार घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे स्कूल में पढ़ने खेलने के लिए अब हमें ज्यादा समय मिलता है। साफ पानी के आने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और हम बीमार भी कम पड़ते हैं। अब गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, स्कूल में हम सब पूरा दिन बिता पाते हैं। ICICI फाउंडेशन ने तो मानो हमारे स्कूल में पानी का बैंक लगा दिया है। मेरे बाबा कह रहे थे कि ये सिस्टम स्कूल के आसपास की जमीन को भी पानी पहुंचाएगा। गांव के किसान खुशी खुशी एक से ज्यादा फसल लगा सकेंगे। पानी बचाने के इस तरीके ने हमें सिखाया है कि कल के जल की तैयारी आज से ही शुरू होती है। इसलिए शिवली के हम सारे बच्चे ICICI फाउंडेशन को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू ICICI फाउंडेशन। पाण्याची चिंता मिटल तळी पुन्हा भरतील समृद्धी येईल पुढं दिस सोन्याचे येतील।